सबसे पहले सभी को प्रेम नमन। YouTube पर लाइव है ये, तो कुछ लोग कृपया से YouTube से देख सकते हैं। आज से ये जो मई का महीना स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे ये गर्मी का समय बढ़ता है, एक तरीके से ये इंसान को दिए जाने वाले अनेक दुखों में से ये भी एक चीज है। शारीरिक रूप से ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जाती हैं जहां पर आपको शारीरिक तकलीफ जो है बड़ी उठानी पड़ती है। ऑफ कोर्स ये महीना ऐसा है, परमात्मा की तरफ से हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं, परमात्मा की तरफ से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं जब हमें किसी खास पर्पस के लिए चुना जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने जो संदेश दिया है आज बोलने के लिए, वो ये कि अनेक लोगों को यहाँ पर चुना गया है, और जिनको चुना जाता है किसी विशेष पर्पस के लिए जब चुना जाता है, तो उनके अंदर अनेक तरह के गुण आजमाए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। ऐसे लोग जिनको परमात्मा किसी खास पर्पस के लिए चुनता है, ऐसे लोगों के जीवन में दुखों की कभी कमी नहीं आती, भर भर के इनको दुख मिलते हैं। सबसे पहली बात, इनके जीवन की शुरुआत ही दुखों से होती है, मतलब जीवन का जो स्टार्टिंग टाइम होता है ना, वो बहुत पीड़ा में बीतता है अधिकतर। अधिकतर अगर आपको किसी पर्पस के लिए चुना गया है, तो याद रखना, आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होगे। आपको दुखों से अपार, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही देख लीजिए, मतलब जिनका जन्म ही जेल में हुआ है, फिर उसके बाद तरह तरह के राक्षसों से पाला पड़ा, पैदा होते ही कुछ दिनों के अंदर ही अगासुर, बकासुर, टकासुर, पूतना और पता नहीं कौन कौन से राक्षसों से पाला पड़ा। बस ऐसे ही एक साधक का जीवन होता है जिसे चुना जाता है किसी विशेष पर्पस के लिए, जिसे परमात्मा किसी खास मकसद के लिए चुनता है, उसके जीवन में दुखों की कमी नहीं आके देती। याद रखना, अगर आपके जीवन में भी कुछ विशेष दुख दिए गए हैं, उसके पीछे कारण है आपको पकाना, आपको पकाना, आपको गहरा करना। दुख आपकी अस्तित्व को गहरा करते हैं, जड़ों को गहरा करते हैं। तो इस बात को अच्छे से पहचान लीजिए कि अगर आपके जीवन में बार बार दुख दिए जा रहे हैं, बार बार पीड़ा दी जा रही है, चैलेंजेस हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते, तो यकीन मानिए कि आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं। और ये जो चुने गए लोग होते हैं, ये बहुत खास होते हैं। दिखते तो ऐसे हैं कि जैसे मान लो ये बड़ी पीड़ा पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर में एक अपार शांति व्याप्त रहती है, अंतर में कहीं ना कहीं एक अपार ठंडक रहती है। बाहर बेशक भयंकर लू चल रही है, लेकिन भीतर आत्मा की वो परम शांति जो श्री राम को घटित हुई, जो श्री कृष्ण को घटित हुई, जो स्वामी विवेकानंद को घटित हुई, जो गुरु नानक देव जी महाराज जी को घटित हुई, वो कुछ मात्रा में एक साधक के मन में भी घटित होती है। संसार की अनेक विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी आप उतने ही शांत बने रहते हो जितने आप शांति में शांत होते हो। ऐसा है या नहीं है, अपने जीवन को पहचान के देख लीजिए। बस वो राम क्यों राम है, अगर मैं पूछूं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनको हमने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उनको क्यों कहा? क्या उनके जीवन में, अगर मैं बाकी सारी बातें हटा दूं कि वो श्री विष्णु जी का अवतार हैं, ये एक मिनट के लिए मैं सारी बातें हटा दूं, तो बस एक ही विशेष बात जो उनके अंदर है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई हैं, कल सुबह आपको राजा बनाया जाना है, कल सुबह आपको राजा बनाया जाना डिक्लेयर हो चुका है, और आज लास्ट मोमेंट पे जब आप बिल्कुल एकदम तैयारी करके बैठे हो, फ्लोरिश हो रहे हो, आज लास्ट मोमेंट पे आपको बोलो कि भाई साहब चलो गोली हो जाओ, यहां से ये सब उतार दो, ये टीम टाम जो पहन रखा है, और उतार के ये कपड़े पहनो सन्यासियों वाले, और भाग लो वन पे, और अपनी वाइफ जी को भी साथ ले जाओ और अपने भाई साहब को भी साथ ले जाओ। सोचो क्या बीतेगी दिल पे, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए क्या हालत होगी, आप सोच सकते हैं बात। हम बोलेंगे कि हमारे जीवन में दुख बढ़े हैं,
दुख उनके जीवन में थोड़े, सोच के देखो कभी पत्नी का साथ मिला ही नहीं है अपने, जो जिसके लिए लोग कहते हैं कि तरह अर्धांगने का थोड़ा, वहां जाता ही रावण जी अपना रावण अपना काम कर गया, करे क्या जीवन में। वहां पे भी इतनी परिस्थितियां विपरीत, फिर घर आने के बाद भी कितने दिन साथ रहा, अंत में अपने बच्चों से भी दूर, अपनी पत्नी से भी दूर, कितने दर्द। जरा अपने जीवन की व्यथा को भी इसी तरह से चेक करके देखिए, अगर आपके जीवन में भी ऐसी व्यथाएं दी गई हैं तो डेफिनेटली परमात्मा के द्वारा सेलेक्टेड हैं आप। दूसरी बात, आपके अपने आपको चीट करेंगे, आपके अपनों से धोखा मिलेगा, जरा चेक करके देखना। अगर ऐसा है, आप सेलेक्टेड हो, आप चुने गए हो यूनिवर्स के द्वारा, आप खास पर्पस के लिए उतारे गए हो इस धरती के ऊपर, आपको बाकी सब चीजें जो मिली हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन आपको एक विशेष मकसद दिया गया है जो आपको भेजा गया है, और अंदर एक आग लगी रहती है, आग लगी रहती है, कहीं ना कहीं वो आपको मकसद याद आता रहता है, मैं यहां पर एक विशेष काम के लिए आया हूं, आई हूं। ये आग लगी है या नहीं लगी, जरा अपने आपसे पूछ के देखना और जवाब देना जरा। हाँ जी, कुछ फील होता है, कुछ फील होता है अंदर, ये आग लगती है कि नहीं लगती? ये आग लगी रहनी चाहिए, ये आग लगती है, डेफिनेटली लगती है। ये थोड़ा सा यूट्यूब पे मूव कर जाओ प्लीज, इस पे क्लिक कर दो जरा, ज्यादा वहां पर कोई नहीं है पब्लिक में, फिर लोगों तक पहुंच नहीं पाती ना ये बात। आपके अंदर भी अगर आग लगती है तो जरा याद रखना कि आपको चुना गया है, आप साधारण नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। एक बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें, आपके अपने आपको चीट करेंगे, अपने बिल्कुल जो अपनों से जब धोखा दिलवाया जाता है ना, तो ये जान लेना कि आप चुने गए हो, ये परमात्मा का असूल है, ताकि आप अटक ना जाओ इनके अंदर भी, आप अटक ना जाओ इस पत्नी के बीच में या इस पति के बीच में या इन बच्चों के बीच में। यही लोग आपको बहुत सम्मान नहीं देंगे, आपका अपना परिवार आपको बहुत सम्मान नहीं देगा, सम्मान का रादर ये समझो कि बार बार अपमान मिलेगा, समझ लेना कि आप चुने गए हो, आप सेलेक्टेड हो किसी खास पर्पज के लिए। सबके साथ ऐसा नहीं है, अगर आपको सम्मान से बड़ा, अपने परिवार से बड़ा सम्मान मिल रहा है ना, तो मान लेना कि फिर आप थोड़ा डिफरेंट हो। यहां मामला बिल्कुल अलग है, ऐसे लोगों के लिए जीवन में खास अलग अलग तरह की मुसीबतें तय होती हैं, और फिजिकली तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक बाहरी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक अंदरूनी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये शरीर जो है, कभी इसकी आंख दर्द करे करे, कभी पैर दर्द कर रहा है, कभी पीठ में दर्द है, तो कभी सिर में है, तो कभी लीवर में प्रॉब्लम है, तो कभी पेट में इश्यू है, तो कभी हार्ट में प्रॉब्लम है, ये चलता रहेगा, ये तमाशा चलता रहेगा बिल्कुल। अगर ऐसा हो रहा है, यकीन मानना आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर अपार कृपा है परमात्मा की। अब देखना कितनी कृपा को आप कितना स्वीकार करते हो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है इस बात की वजह से। अगर विपरीत परिस्थितियां दी गई हैं, तो ऐसा हृदय भी दिया होगा जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। अगर आप ऐसा आपके साथ है, तो आप सेलेक्टेड हैं, चुने हुए हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है आप पर। ऐसा चुने जाना विशेष होता है, और ऐसे लोगों को एक तो एकांत बहुत पसंद होगा, ये बार बार इनके दिमाग में रिमाइंडर आता रहेगा, जब जब ये कहीं फंसेंगे तब तब इनको वहां से निकालने के लिए परमात्मा पूरा पूरा प्रयास करता है, और जब जब ये बहुत खुश होंगे इनको तब तब परमात्मा वहां से उन उन खुशियों को थोड़ा सा साइड में कर देगा, ये बताने के लिए कि तुम इन संसार में फंसने के लिए नहीं आए हो। ये कितनी दया है उसकी, ये कितनी दया है उसकी कि वो आपको भूला नहीं है, क्योंकि आपने उससे अलग होते समय उससे प्रॉमिस लिया था, प्लीज डू नॉट फॉरगेट मी, मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना, आपने कहा था उससे, बेशक दूर कर रहे हो, बेशक संसार में खेल खेलने के लिए भेज रहे हो, लेकिन मुझे भूल मत जाना। जब परमात्मा से वायदा लिया होगा ना, तो उसने भी दिल में बैठकर यही सोचा, उसने कहा था कि मैं तुम्हें रिमाइंडर देने आऊंगा, और फिर वो बार बार आता है, किसी ना किसी अपने प्यारे के थ्रू संदेश भेज जाता है, याद दिला जाता है कि भूल मत जाना, जीवन के इन दुखों के बीच में आपको विशेष, आपका मकसद याद दिलाया जाता है बार बार। तो समझना कि आप विशेष हो, समझना कि आप खास हो।
बहुत बड़ी बात है ये तीन बातें जो मैंने कही है ना, संसार में दुख कम ना होना कभी भी, अपनों के द्वारा धोखा मिलना और शारीरिक पीड़ाओं का कभी अंत ना होना, ये तीन बातें विशेष रूप से चुने गए लोगों को दी जाती हैं और बार बार एकांत का एहसास करवाया जाना, परमात्मा के द्वारा रिमाइंडर भेजे जाना आपको, जब जब संसार में खुशियां हो आपकी खुशियों के बीच में कोई ना कोई खलल पड़ जाएगा, थोड़े दिन चीजें टिकेंगी लेकिन फिर बाद में फिर वही के वही बदलाव, तो ये समझ लेना। और आपको कुछ खास चीजों पे इतना रोना, इतने इमोशंस होते हैं, इतने हैवी इमोशंस होते हैं कि आम लोगों की समझ से बाहर होते हैं, तो मान लेना कि परमात्मा ने आपको चुना है। ऐसे चुने हुए लोगों का एक पर्पस होता है और वो पर्पस 90% तो दुनिया की सेवा करना होता है, कुछ एक का रिश्तों को समझना होता है, रिश्तों को समझना और निभाना, इवन इफ कि वो कितने टफ हैं, इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी उन रिश्तों को निभाने की आपको विशेष तरह से आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको विशेष रूप से पर्पस दिया गया है कि इन रिश्तों को निभा कर दिखाओ। शुक्र मनाना परमात्मा का कि आप ऐसे चुने हुए लोगों में से हो, तो बहुत बड़ी बात है। जब इतना महान पर्पस हो तो भूल मत जाना, श्वास श्वास में जप जप के उस परमात्मा को याद रखना, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग मौत ने आकर पंजा नहीं पकड़ लिया ना गर्दन से, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, जब ये वाणी तुतलाने लगती है ना, थथलाने लगती है, पता ही नहीं चलता मुंह से थूक निकल रही है, बोल रहा है बंदा क्या बोल रहा है, वो अवस्था भी आती है ना, जब वो अवस्था, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई, अब नहीं भजेगा तो कब भजेगा, कब परमात्मा को याद करेगा। याद रखना आप एक वो पर्पज लेकर आए हैं, आपका जीवन अपने लिए तो है ही, लेकिन अपने लिए इतना सा है और दुनिया के लिए इतना सारा है, यू आर नॉट देयर फॉर योर सेल्फ, आप चुने गए हैं एक पर्पस के लिए, और जब चुने गए लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, उनका पूरा जीवन दूसरों को समर्पित होता है, ये अपने लिए खुद कुछ खरीद के राजी नहीं होते, अपने जीवन पर अपने शरीर पर पैसा लगाना, इनको कपड़ों की नॉर्मली परवाह नहीं होती, क्या पहन रखा है, कैसा ड्रेसअप है, नॉर्मली बता रहा हूं, ये जो चुने गए लोग होते हैं परमात्मा के द्वारा, ये विशेष रूप से इनके कोई खास, इनके कपड़े, इनका शरीर, मतलब दुनिया से को, जैसे आम लोग सज संवर के धवज के ये सब रहते हैं, इनको ये सब चीजें पसंद नहीं आती। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो सेलेक्टेड हो, आप चुने गए हो, दिल में इमोशंस आते हैं, मन में गहरी याद आती है कभी किसी की, इतना रोने का दिल करता है कि किसी तरीके से, मतलब आत्मा अंदर से पुकारती है, कुछ किसे पुकार रही है कभी कभी ये भी नहीं पता होता, लेकिन पुकारती है, रोती है अंदर से। तो ऐसे चुने हुए लोग जिनको परमात्मा ने अपनी स्टैंप लगा के भेजा है, उनके माथे के ऊपर स्टैंप लगाई है, और अगर लगाई है तो याद रखना आप बहुत विशेष हो, आप बहुत खास हो, इस धरती के लिए आप एक ब्लेसिंग हो। आज हो सकता है लोग आपको थू थू करते हो, कोई बहुत सम्मान ना देता हो, लेकिन ये लोग जिसके ऊपर भी, जिसके साथ भी आप बैठ जाओगे, जिसका भी आप थोड़ा सा कल्याण कर दोगे, चार पैसे कोई आपसे ले जाएगा, लौटाएगा तो नहीं, लेकिन जो पैसा आपका होगा उस पैसे से वो फलेगा फूलेगा, जो भी आपका पैसा लेकर जाएगा, आप उन चुने हुए लोगों में से हो परमात्मा के द्वारा, याद रखना। बहुत सारे लोग अपने आप को समझ लेते हैं कि मेरी जिंदगी नरक है, मेरी जिंदगी में दुख कम नहीं होते, जबकि यही परमात्मा का, यही परमात्मा की ब्लेसिंग है। कुंती ने क्या मांगा परमात्मा से, माता कुंती ने, कौरवों की माता ने क्या मांगा, बस यही कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे जीवन में दुख कम ना हो, मेरे जीवन में दुख कम ना हो। पांडवों के जीवन कौन सा सुखी जीवन था, हर बार को सार जन्म से लेकर अंत तक से आप पे चलते रहे, जीवन में कुछ ना कुछ आपदाएं चलती रही, कहने का भाव सिर्फ इतना, तो बस ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा, मुस्कुराते रहेंगे लोग। अगर आप परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड हैं और आपके दिल में ये बात क्लियर है तो आप इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे, और आपके जीवन के पीछे कथाएं लिखी जाएंगी बाद में, क्योंकि जब आप आते हो तब संसार वालों को पसंद नहीं आते, लेकिन जब आप जाते हो तो बहुत पसंद आते हो, बड़ा अच्छा लगता है, अरे
फलाना तो ओहो हो, पूछो मत। बाकी जैसे महापुरुषों के पीछे कथाएं लिखे जाते हैं, कोई छोटी मोटी कथाएं तो हम आप सबकी भी लिखी जाएंगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए याद रखना, ऐसे लोगों के जीवन में दुविधाएं कभी कम नहीं होंगी, बांसुरी बजती रहनी चाहिए। जैसे श्री कृष्ण अनेक आपदाओं के बीच में भी उसी प्रकार मुस्कुराते रहे, बस ऐसे ही ना बांसुरी बजने कभी हटी। जब सुदर्शन चक्र भी चला तो भी बीच बीच में कभी कभी सुना है मैंने कि बांसुरी उठा लिया करते थे अपनी चुपचाप, युद्ध के मैदान के बीच में, या युद्ध हो रहा है रात को अलग बैठकर चुपचाप लगे हुए हैं बांसुरी बजा रहे हैं, अपने आनंद में लीन है। क्या आपकी बांसुरी भी ऐसे ही बजती है? अगर बजे तो समझ लेना कि आपको परमात्मा ने चुना है, बहुत विशेष बात है। बहुत शुक्राना करना, बहुत शुक्राना करना, और अपने लक्ष्य को मत भूलना। इस जीवन को न केवल अपने जीवन को सफल करके जाना है, बल्कि इस संसार के ऊपर ऐसी छाप छोड़नी है कि दुनिया याद रखे, दुनिया याद रखे। श्वास श्वास में अपने आप को आत्म ज्ञान की उस महानतम लेवल पर लेकर जाना है, जहां पर आप भी अपने आप को देखो तो आपको अपने आप को सर उठाकर देखना पड़े। अपने आप को आईने में देखो ना तो सर उठाकर देखना पड़े, और दुनिया तो आपको इसी तरह से देखेगी। एक समय आएगा, आज नहीं मानेंगे लोग, आज नहीं मानेंगे, और दुनिया को मनाने की कोशिश भी मत करना, परवाह भी मत करना, क्योंकि आप जैसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, जो सेलेक्टेड लोग होते हैं ना, ये परवाह बड़ी करते हैं दुनिया की। लेट देम नॉट वरी अबाउट पीपल, जो होता है होने हो जाने दो, परवाह करना तो उसकी, वो जो बैठा हुआ है ना, बस उसकी परवाह करना, बाकी सब ना गर्ज किसी से ना वास्ता। मुझे काम अपने काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, बस उसी के साथ प्रीत लगाना जरा अच्छे से, और आपके इस प्रेम के तराने एक दिन दुनिया गाएगी, आपके इस प्रेम के किस्से एक दिन दुनिया गाएगी। याद रखना, ऐसा अगर आपका जीवन हो तो शुक्र मनाना, धन्यवाद करना, अपने जीवन को सफल बनाना और दूसरों के जीवन में भी उजाला करना, क्योंकि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। जो दूसरों के जीवन के लिए सोचते हैं, जो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, उनका जीवन खुद का सफल होता ही होता है, अनेक लोगों के जीवन के लिए वो जलते हुए चिराग बन जाते हैं। आपके द्वारा अनेक लोगों के हृदय में प्रकाश हो, ऐसी मेरी दिल से शुभकामना है। ऐसे चिराग जलते रहें, एक से अनेक चिराग जले, ऐसी मेरी दिल से शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ बात छोटी सी है, समझ में आ गई होगी। बस एक से अनेक, आपका कुछ जाएगा नहीं लेकिन सामने वाले को सब कुछ मिल जाएगा, ऐसी परमात्मा के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि आपने प्रयास करने में कमी नहीं रखनी। बात समझ में आ गई होगी, आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सिमरन संडे मतलब सिमरन, फुल सिमरन, दिल से लगातार श्वास श्वास में जप जप के अपने आप को भी सफल करना और लोगों को भी पकड़ पकड़ के लगाना। मैं जानता हूं लोग नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना, थोड़ा 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 पर प्रयास किया हुआ एक दिन सफल जरूर होता है। आज भी कौन सा इजीली मान गए थे क्या? आपने भी पहले सैकड़ों वीडियो देखे होंगे, तब जाके कहीं दिल को मनाया होगा। जैसे आप मान गए हैं ऐसे लोग भी मानेंगे, तो इसलिए प्रयास करते रहना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मई मई का महीना आपके लिए सुखद रहे, मेरी दिल से शुभकामनाएं सबके लिए। जीवन का ये जो अवसर मिला है, ये भी सबका सफल हो, सुफल हो, ऐसी सबके लिए शुभ मंगल कामना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, और जरा अगर ये भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर कर लें, कर ही लीजिए, और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए। अभी भी बहुत लोगों ने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मंजिलें और भी हैं आगे कई, मुझे दूर, बहुत दूर, बहुत दूर जाना है। आपकी जीवन की भी मंजिल जो है ना बड़ी दूर है, और परमात्मा से नीचे कोई मंजिल पे टिके तो फिर लानत है ऐसे टिकने पर, तो टिकना नहीं है कहीं पर भी। परमात्मा से नीचे कोई मांग नहीं रखनी, वो जो भी करेंगे बस मांग करेंगे, सजदा होगा तो उसके दर पर होगा, नहीं तो बाकी सब चीजें अपने आप, बस उसी प्यारे को मांग रखनी है, उससे नीचे किसी चीज से समझौता नहीं करना, मतलब नहीं करना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की।
जय, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, जरा ये लिंक पे क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक करो। जरा 2 मिनट के लिए वहां पर टिको भी सही, ताकि वीडियो का वो देखा जा सके और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।